अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निमराज किचन। सो आज हमारी किचन में बन रही है ढाबा स्टाइल दाल चावल। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल को उबाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सॉल्ट और चावलों को 15 से 20 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल बॉईल हो चुके हुए हैं और इसमें जो है अब हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ताकि साथ चिपके नहीं, और इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। सो यहाँ पर हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, तो इनको हम साइड पे कर देंगे। और अब हम अपनी दाल रेडी कर लेंगे। सबसे पहले 1 कप ऑयल, ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ अनियन ऐड करेंगे। और लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहा है साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, 4 से 5 पत्ते कड़ी पत्ता के, और ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। इसके बाद इसमें 2 ड्राई रेड चिलीज ऐड करेंगे, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देती है दाल में। इसके बाद जो है इसमें टमाटर डालेंगे 1/2 कप, जिंजर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी ऐड करेंगे और कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। क्वांटिटी जो है आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी। सब कुछ से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं हमारे जले नहीं, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। सो यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हुए हैं और इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने यहाँ पे 1/2 किलो से कम यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे हड्डी वाली चिकन इस्तेमाल की। आप लोग चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। और चिकन डाल के अच्छे से भून लेंगे चिकन को भी। इसके बाद इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। चिकन हमारे यहाँ पे भून चुका है, अब इसमें दाल ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो इसके साथ और भी दाल ऐड कर सकते हैं, यानी कि मूंग मसूर की दाल। यहाँ पे मैं सिर्फ दाल चना ऐड कर रही हूँ। दाल को भी अच्छे से चिकन के साथ भून लेंगे 5 से 6 मिनट तक। तो यहाँ पर दाल हमारी भून चुकी हुई है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे अबाउट 4 ग्लास ऑफ। और इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हुई है और चिकन भी हो चुका है। दाल और चिकन को यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पतला कर लेंगे।
यहाँ पर दाल हो चुकी है, अच्छे से पतली हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ड्राई रेड पेपर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल हल्का हल्का ऊपर आ चुका है और दाल की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारी ढाबा स्टाइल दाल चावल बिल्कुल रेडी है। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।